अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो यार? आपको सब मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आज पता क्या हुआ, रात को ना 11:30 बजे यकदम ईद हो गई है, यकदम ईद। वो अजीब अजीब से मैसेज आने लग गए थे यार, यकदम ईद मुबारक और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से। तो चलो जी, 29 रोज़े इस दफ़ा हुकूमत ने कर दिए, एक रोज़ा खा गए या हो गया या जो भी है, लेकिन यह कि ईद हो गई है। सुबह सुबह उठे यार बड़ी मुश्किलों से ना, सुबह सुबह उठ के और फिर तैयारी किए, और अब तैयार हो के तो अब हम ना पढ़ने जा रहे हैं ईद जुम्मा, ईद पढ़ने जा रहे हैं। ये वो उसने तो कोई नहीं जाना, उसने कपड़े नहीं पहने हुए, वो तैयार हो गया भाई, ये वाला इसने जाना है, मेरे कपड़े ये वाले हैं, उसने मेरी तरह के पहने हुए हैं ना। लो यार, अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। तो मेरे को कोई मास्क मैं भी ले आऊँ यार, एक मेरे को। लो जी, हम दोनों जा रहे हैं नमाज पढ़ने ईद की। और ये मौसम आज जो है ना, वो देखा कुछ बादल यार, शीर लगता है आज टका के बारिश होगी। चलो जी, नमाज पढ़ के आके फिर बात करते हैं। लो यार, हम तो नमाज़ पढ़ के आ गए, बारिश शुरू हो गई और बादल गरज रहे हैं। बारिश कहती है कि बस अब आ नहीं है, मैं ही हूँ। हाँ जी, हम ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और ये अभी तक तैयार नहीं हुआ हुआ, देखो यार। और जो ही हम यार बाहर ईद की नमाज़ पढ़ के अंदर आए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई। आज बारिश कह रही है जी, या मैंने या तुसी ने, हैं इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी भी शायद आपको बारिश की आवाज़ आ रही हो। तो चलो जी, इसके बाद मैंने जाना था कब्रिस्तान, या बार बारिश हो रही है, अब जो ही रुकती है फिर मैंने कब्रिस्तान जाना है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा यार, इतनी अचानक से ईद हुई है ना, 11:30 बजे एकदम जनाब न्यूज़ चली है कि ईद हो गई है। अब सुबह सुबह हम एकदम उठे हैं और 7:30 बजे हमारी नमाज़ हुई है, और जल्दी जल्दी सुबह उठ के तैयार हुए। इतना टाइम नहीं हो सका कि बंदा सही तरह वीडियो बना सके और इस तरह करके। और फिर जनाब अब नमाज शमाज पढ़ के फ़ारग हो के खाना शाना खा के अब फ़ारग हुए हैं। अब मैंने यार कब्रिस्तान जाना है, बारिश को इतना वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाना है, और उसके बाद फिर सिस्टर्स और इधर उधर रिश्तेदारों के घर में घूम घाम के फिर बस ईद मेरी तो इसी तरह ही गुजरती है। लो यार, अब हम जाने लगे हैं, गाड़ी में बैठ के उसके काम चेक करो यार। चलो जी, अब हम जाने लगे हैं अपने अबाई घर में। कैसे लग रहे हो जनाब? लो जी, मेरी बेटी के ड्रेस देख लो, बेचारी सोई भी थी है ना, जिया सोई भी थी, बचाई, सो के उठा के लेके आए जिया। तो यार, कब्रिस्तान से भी हो गए, अब हम चलते हैं घर। कब्रिस्तान यार ये इधर आना चाहिए, बल्कि जब मैं तो अब यार यहाँ से अब गांव से दूर चला गया हूँ ना, लेकिन यह कि आना चाहिए, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं तो फिर इसी तरह ही आना होता है। तो आके जनाब कब्र यार जाने वालों को ना याद रखना चाहिए। चलो, मेरी इधर वालद साहब की कब्र है, वालदा की कब्र है, नानी अम्मा की कब्र है, मेरे बड़े भाई की कब्र है यहाँ पर। तो मैं हर आता हूँ, कोशिश करता हूँ यार, जब टाइम निकले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। कितने पैसे बीच में? 20 रुपये। ये किसने दिए हैं? अम्मा ने दिए। मामा यार, ये मैं ना अबाई घर आया हुआ हूँ, यहाँ पे मेरा सबसे छोटा भाई रहता है। तो उन्होंने हमें ना ये रस मलाई दी थी, हमें सर्व की थी, तो ये बच्चे बड़े शौक से खा रहे थे जनाब, इनको यही पसंद आती है, मीठा ही बच्चों को पसंद आता है।
इसके बाद इन्होंने हमें जनाब ये चाट ला के खिलाई है। चना चाट बड़ी मज़ेदार थी यार। ये चना चाट जो थी ना, वो ये बड़ी मज़ेदार थी यार। ये फिर हमने खाई, बच्चों ने तो खाई ही नहीं है, बच्चे तो मीठा ही खा रहे थे। फिर ये हम मैंने ज़्यादा शौक से खाई है, तो मैंने तो पेट प्लेट जो भरी है वो भर के खाई है। भैया मेहंदी दिखाओ। वे नो नहीं, चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं। वाह, मैचिंग वाली चूड़ियाँ हैं। ये भी पहनी हुई है। अच्छा जी, अच्छा ये भी पहनी हुई है। वाह, इधर भी मेहंदी लगाई हुई आपने। अच्छा, और पाँव के भी दिखाना, पाँव के भी दिखाओ। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. अब ये जो है ना, हम ये दूसरी सिस्टर के घर में आ गए। यहाँ पे भी यार बड़ा मज़ा आया। इन्होंने हमें जो है ना खीर खिलाई थी, इन्होंने चावलों वाली खीर बनाई हुई थी। पहले इन्होंने जनाब हमें कोल्ड ड्रिंक्स दी हैं, उसके बाद इन्होंने भी खीर दी। अब जो जारी बात है यार, ईद वाले दिन जिसके घर में जाएंगे उन्होंने कुछ ना कुछ खिलाना है। अब मैं तो तकरीबन 5 घरों में गया, सब ने थोड़ा थोड़ा खिलाया, तो वो खा खा के जो है ना बंदा मोटा हो गया होता है। अब ये जो खीर थी चावलों की, बड़ी मज़ेदार थी यार। ये भी ये हमने खाई थी, बड़ा मज़ा आया था। ये मेरी बेटी जो है ना, सबको जनाब अपनी मेहंदी और चूड़ियाँ और ये सारा दिखा रही थी, बड़े मतलब के ना शौक़ से। असल में ये ज़हर, ये छोटे बच्चों को मेहंदी लगानी ना बड़ी मुश्किल है। ये जब सोई हुई थी ना, तो इसकी मामा ने जनाब सोए सोए इसको ना मेहंदी लगाई थी, नहीं तो वैसे तो बच्चे तो मेहंदी ख़राब कर देना। तो ये जनाब जिधर जाती थी ना, ये अपनी बड़े शौक़ से अपनी मेहंदी और चूड़ियाँ दिखाती है। मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई है, ये मैंने मेहंदी पहनी हुई है। तो बच्चों असल में ये तो यार बच्चों की होती है, हमारी किधर है। ये उसने पैर पे भी लगाई थी जनाब, सब को पैर अपने ना सबको दिखा रही होती थी बड़े शौक से कि ये देखो मैंने लगाई हुई है मेहंदी। लो जी आके ना, ये एक हमारी बड़ी सिस्टर है, उधर आके थक गए, इनके घर में आए, ये इनके घर में। ये देखो बेचारे थके हुए सुबह से घूम घूम आके लेट गए। मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया। बेचैनियां समेट के सारे जहान के, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी स्टेशन हमारे आज के दिन का जनाब। हम अपने ससुराल आ गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं जनाब।
और ईद वाले दिन यार बस यही होता है कि घूमते फिरते रहो। मैं तो ये करता रहता हूँ, घूमता फिरता ही रहता हूँ। बच्चे अपने मान के आगे हैं, इंजॉय करें, बच्चे सारे खेलें। असल ये तो बच्चों की होती है ना जनाब, है ना शरत जी? वो देखो, वो पीछे ईमान भी है, ये छोटा सा देखो जिसका ना दुकान पे छोड़ आए थे, इसको दुकान पे छोड़ आए थे। तो मैं वहाँ पे चला रहा था तो मुझे पता चला। आपको कितनी मिली दी है? अभी तो 300 से ऊपर हुई हुई है। अच्छा अभी है नहीं आ रही? हाँ जी जन्नत, क्या क्या लेके आई हो शॉपर में? कितनी चीजें हैं, कितने रुपए की हैं? इतने रुपए की? ईमान आपके पास कुछ भी नहीं है? हाँ। किधर है? आपने चीज लेके आई? लो ये देखो, ये देखो, ये क्या लेके आए? कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, किसी को है बनाया हर किसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे। समझा यार, आइसक्रीम इतना तकलीफ है। केड़े केड़े फ्लेवर ही? स्ट्रॉबेरी ते कुल्फा। स्ट्रॉबेरी ते कुल्फा मैं तकलीफ कीता ही पड़े। लो जी है मेरा भांजा है, माशाल्लाह ना वेखो किन्ना खातर तवाजा कर रहा है। आइसक्रीम इन्हें मेरे वास्ते स्पेशल लै के आया। इधर कि नहीं ले गया? मैंने दीती कौन जे थे। अच्छा लो जी, इधी वास्ते ने आइसक्रीम खवा रहा मैंने। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ते एक जनाब वलेना कुल्फा है, वनीला नहीं है, कुल्फा। ये वाला जो हाथ है मेरा सीधा हाथ है, उठा हाथ नहीं है। हमने इतने चावल ना, थोड़ा देने थोड़ा खाया कर, सिर्फ लेग पीस ये मैं छोड़ा तो तू खाई जाना। और मैं हूं ना खा ले। लो यार, मैं अब आ गया हूँ घर पे। आज पूरा दिन जो है ना मेरा ईद का बहुत ज़्यादा बिजी था। ये बड़न खुल गया यार मेरा, बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ। और जारी बात है यार, शादीशुदा बंदे हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो ऐसे ही गुजरेगा। असल में ईद होती है बच्चों की, बड़ों की यार किधर ईद है, बड़ों के तो बस ऐसे ही, बच्चों की असल में ईद होती है। और सारा दिन यार बिजी रहे हैं, कभी असिस्टर के, असल में ज़्यादा सारा असिस्टरों के घर में घूम के फिर एंड पे मैंने ससुराल जाना होता है, तो उधर से छोड़ के अब मिसेज को, फैमिली को सारे उधर छोड़ के अब मैं वापस आ गया हूँ घर। लो जी, ये यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और लाइक लाजमी किया करो यार। वीडियो व्यूज़ ज़्यादा आए हुए तो लाइक कम हुए हुए तो यार लाइक कर दिया करो। ओके यार, खुदा हाफिज़।